मंगलवार को 72वां गणतंत्र दिवस पूरे देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं विभिन्न संगठनों द्वारा झंडा वंदन कर गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में आज इंदौर के वोहरा समाज द्वारा झंडा वंदन कर गणतंत्र दिवस मनाया गया। 72वें गणतंत्र दिवस पर देश भर में आजादी महोत्सव मनाया गया। वहीं इंदौर के वोहरा कॉलोनी में भी बड़ी संख्या में वोहरा समाज द्वारा झंडा वंदन किया गया और उस अवसर पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी द्वारा कोरोना महामारी के चलते जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया उन सभी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। इस अवसर पर वोहरा समाज के समाजजन शेख सैफुद्दीन रंगूनवाला, आलिम इकबाल चप्पू हैदर, भाई महूवाला, इसुफ भाई, पान विहार वाले खुजेमा भाई, बादशाह सहित बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद थे। वहीं वंदे मातरम के नारों के साथ झंडा वंदन भी किया गया। के मौके पर हम हिंदुस्तान के हर बाशिंदे को मुबारकबादी देता हूँ और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता की मिसल है जिसमें जिस गुलदस्ता में किस्म किस्म के फूल रहते हैं। गुलदस्ता देने वाला लेने वाला और उसके आसपास सबको खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह से हिंदुस्तान में अलग अलग किस्म के लोग हैं, लैंग्वेज अलग अलग है, लिबास अलग अलग है, हर मज़हब के लोग हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि गुलदस्ता की मिसल हम भी मोहब्बत की खुशबू, भाईचारा की खुशबू, एक दूसरे को मदद करने की खुशबू हमेशा फैलाते रहेंगे और यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ। हम सब मिलकर रहेंगे, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है, हम वो हिस्सा बन के रहेंगे और हमेशा हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। आपका नाम बताइए। मैं सैफी मोहल्ला, इंदौर के सैफी मोहल्ला के आमिल साहब हूँ, शेख सैफुद्दीन रंगूनवाला। सादिक भाई, खुजामा जी, बहुत सारे नाम ले सकता हूँ। ये खुजामा जी बोल रहे थे कि पहली बार आ रहे हैं। मैं बता दूं, मेरा जन्म सराबा थाने के सामने ही हुआ है, तो मेरा बचपन यही गुजरा है, इसी मोहल्ले में। पर बहुत पुरानी बात है। आज हम सब लोग गणतंत्र दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं और इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि हम सब मिलकर इस मुल्क को आगे ले जाने में अपने अपने स्तर पर जो जो कर सकते हैं वो सब करना चाहिए। वैसे भोरा समाज हमेशा शांति प्रिय समाज रहा है और सैयदना साहब हमेशा ये कहते हैं कि जहाँ आप रहते हैं उसकी तरक्की के लिए आप हमेशा दुआ करिए और उसके लिए काम करिए। ये मैंने स्वयं सुना है सैयदना साहब के मुँह से कि जिस स्थान पर रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उसके लिए आप काम करते रहिए। और मुझे ध्यान है, बहुत पुरानी बात है, जब मैं जननगरी में जनकार समिति का अध्यक्ष था, पर्यावरण मेरे पास था, मुझे लगता है 20-25 साल पुरानी बात होगी, तब शहर में पर्यावरण सुधार की बात कर रहे थे और ये पर्यावरण सुधार की जो बात चल रही थी उस समय हमने बात वहाँ तक पहुँचाई थी और आज से 25 साल पहले मुझे बुलाकर 10 लाख रुपए का चेक इसलिए दिया था कि आप वृक्षारोपण शहर में करिए, 10 लाख रुपए का चेक। अभी तो 1 करोड़ की बात होगी, उससे यानी पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने 10 लाख रुपए का उस समय जो चेक दिया था मुझे और ये कहा था कि आप वृक्षारोपण में इसको खर्चा करिए। आप देखिए, जो वहाँ बैठे हैं उनको हमारे शहर की चिंता है कि किस प्रकार पर्यावरण सुधार हो। हमेशा हमने देखा है कि बोरा समाज में समाज को आगे ले जाने के लिए एक समरसता का भाव है। अगर कोई समाज में मध्यम वर्गीय गरीब है कि नहीं, ये ब्याज हमारे उसमें नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो उनके आगे बढ़ने, व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए, काम धंधा आगे बढ़ाने के लिए राशि दी जाती। हमने देखा अभी टिफिन सेंटर शुरू हुए कि घर घर शहर में और इस मुल्क को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है और वो जहाँ भी रहते हैं मैंने देखा है उनको जिस प्रकार दूध में शक्कर मिल जाती है और शक्कर अपना मिठास नहीं छोड़ती, जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ से मिलजुल कर अपनी मिठास हमेशा देते हैं। तो मैं द्वारा समाज को बधाई देता हूँ और